यो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं वापस से एक नए MQC वीडियो के साथ, जिसमें मैं रैंक अप करने वाला हूँ मेरा एक बहुत ही फेवरेट चैंपियन जो इस बैटल ग्राउंड के मल्टीप्लेयर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलो यार, मैं दिखा देता हूँ कि तुम लोगों को वो कौन सा चैंपियन होने वाला है, और वो बहुत ही प्यारा चैंपियन रहेगा यार उस मेटा के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ मैं एक अटैकर अपग्रेड करने के लिए नहीं, लेकिन उससे पहले मैं अपग्रेड करना चाहूँगा एक डिफेंडर को, क्योंकि मेरे पास इतने अच्छे डिफेंडर्स भी नहीं हैं। तो वो चैम्पियन है निमरॉड। तो ये निमरॉड नहीं, वो निम गॉड है। तो मैं इसको रैंक अप कर लूँगा फटाफट से, यहाँ पे देखते हैं कि कितना गोल्ड लेगा ये। यहाँ पे मेटा में ये एक नंबर डिफेंस कर सकता है, तो मैं इसको अपग्रेड करूँगा। और भी बहुत सारे चैंपियंस हैं जिनको रैंक अप करना है, जैसे कि मैन थिंग एक बहुत अच्छा डिफेंडर है ये वाले मेटा में। एंड लेट्स सी के क्या मिलेगा मुझे इसमें से। तो 10 खोल सकता था, लेकिन अब मेरे को लग रहा है 9 से काम चलाना पड़ेगा। एंड लेट्स सी के यार प्लीज टेक मिल जाए, सारी की सारी तुम्हारे आ जाएगी। तो हो सकता है कि मैं नेक्स्ट रैंक फॉर इसको ही कर दूं। लेट्स सी कितने टेक मिलेंगे, कितने क्या मिलने वाला है मुझे पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टेक एक हल्क बस्टर, अबे खाली एक हल्क बस्टर है टेक में। तो ठीक है, अब चलो कर रहे हैं इसको रैंक 2। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने जो मटेरियल्स हैं उसको यूज़ करो, इसको रैंक अप करूँ, इसके ऊपर भी यूज़ नहीं करूँ मैं। तो ग्लोरी गए मेरी, और चलते हैं ग्लोरी में। एंड ये दो खरीद लेता हूँ, 60 में तो आ रही खाली। चलो ठीक है, अब निमरॉड को कर लेते हैं रैंक 2 फटाफट से, क्योंकि एक बहुत अच्छा डिफेंडर बन सकता है। तो मैंने इसको कर लिया रैंक 2, और मेरे ख्याल से इसके अंदर मेरे को सब तरीके की आईसीएल यूज़ करना पड़ जाएगी अब। चलो ठीक है, ये पूरा रैंक अप कर चुका हूँ मैंने इसको, अब लेट्स ट्राई, इसको करते हैं जाके बैटल ग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं पहले। और 7 लाख गोल्ड है और मेरे पास है भी, तो मैं इसको एक और बार रैंक अप कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको रैंक 4 करेंगे बाद में, मैं इसको रैंक अप जेम से रैंक 3 करूँगा। तो भाई लोग, जो मेरा नेक्स्ट रैंक अप रहेगा ना, मैं सोच रहा हूँ वाइकिन को करने के लिए, क्योंकि एक न्यूट्रलाइज चैंपियन है। तो मेरे हिसाब से ये न्यूट्रलाइज चैंपियन अच्छा कर लेगा, क्योंकि अभी भी देखो, मैं अगर सोच रहा था कि वेनम को या फिर ऐसे कोई से चैंपियन को अपग्रेड करने के लिए जो पावर बन इम्यूनिटी हो, लेकिन यार फिलहाल मैं सोच रहा हूँ वाइकिन को करने के लिए, क्योंकि वो अच्छा खासा रीजनरेशन भी है उसके पास, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैनकॉक ये सब लोग तो डिफेंडर है, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल अटैकर की बहुत कमी है। तो नहीं तो फिर मैं अगर ये सब को नहीं, तो फिर मैं सोच रहा हूँ मेडुसा को रैंक अप करने की, क्योंकि भाई मेडुसा इस मेटा में समझ लो एक वन ऑफ द बेस्ट चैंपियन रहेगी, MVP बन जाएगी भाई अगर मैंने इसको रैंक अप कर लिया। तो मैं सोच रहा था कि वाइकिन को रैंक अप ही कर लेते हैं, लेट्स सी। तो मैंने इसको रैंक अप कर लिया, रैंक अप जेम देगा रैंक 2 पे। एंड इसकी जो है अभी यूज़ कर लेते हैं मिस्टिक वाली से। तो चलो ठीक है, इसको मैंने पूरा रैंक 2 कर लिया हूँ। एंड लेट्स सी, अब चल के देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। इसको रैंक 3 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए रैंक 3 इसको नहीं करना है। अब चलते हैं मेटा में, और वाइकिन तो है ही ऑलरेडी मेरे पास। तो अब पहला अटैकर मैं वाइकिन ले लेता हूँ, एंड लेट्स सी कि ये कितना यूजफुल हो सकता है। चल बेटे जल्दी, ओह भाई खतरनाक, भाई खतरनाक। रुक जा गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा मैंने हक दिया यहाँ पे। अगर मैंने इसको प्रॉपर यूज़ किया होता ना, तो तुम लोग देख सकते कि यार यहाँ पे वाइकिन कितना अच्छा अटैकर है इस मेटा में। रुक जा, ओ फक, तो मैंने न्यूट्रलाइज तो कर दिया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेट्स सी के क्या होता है, लगता है तो नहीं कि मैं जीत पाऊंगा। ओ भाई मैं जीत गया यहाँ पे, लेकिन भाई वाइकिन एक बहुत अच्छा अटैकर है। अगर तुम लोग ने देखे होगे तो समझ ही गए होगे कि भाई बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा मुझे यहाँ पे वाइकिन। अगर उसको प्रॉपर यूज़ किया जाए ना, तो भाई
तो चलो ठीक है, अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। निमरॉड को तो मैं दिखा भी नहीं पाया क्योंकि भाई बैन हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो वाइकिन तुम लोगों को कैसा लगा एज एन अटैकर, तो तुम लोग कॉमेंट करके बताओ। तो चलो सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।